राजधानी शिमला में पानी की कमी और सहब सोसाइटी के हड़ताल पर चले जाने की वजह से शहर में गंदगी फैल रही है, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नगर निगम द्वारा जनता की समस्याओं का समाधान ना होने से लोगों में निगम के खिलाफ काफी गुस्सा है। वहीं अब नगर निगम के पार्षद भी महापौर के खिलाफ हो गए हैं। शनिवार को कांग्रेस के पार्षदों के साथ साथ भाजपा पार्षदों ने महापौर से इस्तीफे की मांग की है। राजधानी शिमला में पानी की कमी और गंदगी को देखते हुए आम लोग गुस्से में हैं। गौर हो कि भाजपा ने चुनावों के समय दावा किया था कि वे सत्ता में आते ही पानी और कूड़े की समस्या को दूर करेंगे, लेकिन सत्ता में आते ही नगर निगम फेल होती दिखाई दे रही है। शनिवार को कांग्रेस पार्षदों के साथ साथ भाजपा पार्षद आरती चौहान भी नगर निगम पहुंची और महापौर के खिलाफ खूब हल्ला बोला। आरती ने दो टूक शब्दों में कहा कि अगर महापौर व्यवस्था नहीं कर सकती हैं तो उन्हें कुर्सी पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने कांग्रेस पार्षदों के सुर से सुर मिलाते हुए सीधे सीधे नगर निगम की महापौर का इस्तीफा मांग लिया। प्रदेश की राजधानी शिमला में आजकल पानी की कमी है, जिसके चलते यहां हालात सूखे जैसे बन गए हैं। शिमला में लोगों को पांचवे दिन पानी मिल रहा है। बताया जा रहा है कि जब पार्षद ऑफिस में पहुंचे तो महापौर कुसुम सदरेट अपने ऑफिस में नहीं थी। विरोध करने वाले पार्षदों में भाजपा की आरती चौहान, कांग्रेस पार्षद राजेश चौहान और अर्चना धवन मिल रही। इन पार्षदों ने महापौर का काफी समय तक इंतजार किया, पर महापौर नहीं आई। जब भाजपा पार्षद आरती चौहान ने महापौर को फोन किया तो कुसुम सदरेट ने पार्षद का फोन तक नहीं उठाया। सिटी चैनल से बात करते हुए कांग्रेस पार्षद राजेश चौहान व अर्चना धवन ने कहा कि शहर के हालात दिन प्रतिदिन बद से बदतर होते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अभी तक के कार्यकाल में उन्होंने आज तक शहर के ऐसे हालात नहीं देखे थे। उन्होंने मांग की कि महापौर अपना इस्तीफा दें। सबसे बड़ी समस्या आज जो है सबके पूरे शिमला में जो है कूड़ा जो है इतना फैल चुका है। ये इतनी जो एक अंग्रेजों के समय की राजधानी थी, अब ये कूड़े की में जो है इन्होंने परिवर्तित कर दिया इस राजधानी को। कोई चौक, कोई चौराहा, कोई गली ऐसी नहीं है जहां पर आपको कूड़े के ढेर नहीं नजर आएंगे। मतलब पानी आपको सुबह पीने को नहीं मिल रहा, लोग पांच पांच दिन से तरस रहे हैं खाली बाल्टियां लेकर के। इतनी दयनीय हालत हमने आज तक नहीं देखी मतलब अपने समय में। हम सीधा ये बोलते हैं कि अगर आपसे ये नहीं चलता तो आप किसी भी योग्य व्यक्ति को जो है अपना पद सौंप दीजिए। मतलब आप इस्तीफा। बिल्कुल बिल्कुल, ये सर ये इतना अब सहन नहीं हो पा रहा, ये बहुत ही मतलब कठिन समय है। और जो स्थिति मैंने आज देखी पानी और कूड़े की, वो मैंने आज तक कभी जिंदगी में देखी। मैं तो बोलती हूँ मेरे साहब को ये चीज पहले ही एक महीने पहले ही सोच लेना चाहिए थी कि पानी की दिक्कत आगे आने वाली है, तो इसकी प्रावधान पहले ही करना चाहिए था। अब अगर नहीं हो रहा है इनसे तो मेरी भी यही डिमांड है कि इनको इस्तीफा देना चाहिए, किसी योग्यता को जो काम करे उनको भी उस जगह पर बिठाना चाहिए। वहीं सिटी चैनल से बात करते हुए भाजपा पार्षद आरती चौहान ने कहा कि शहर में पानी की किल्लत है और हर तरफ कूड़े के ढेर लगे हुए हैं और ऐसे में महापौर का शहर से बाहर जाना ठीक नहीं है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अगर महापौर से अपना कार्यभार नहीं संभाला जाता है तो वे अपना इस्तीफा दे दें। भाजपा के पार्षद होना एक बात की बात है। सबसे पहले मैं यहाँ जनता के लिए हूँ। भाजपा और कांग्रेस से ऊपर की बात करके हमें चलना होगा। जो इस टाइम शहर के हाल है, रास्ते में कूड़ा है और पानी पीने को नहीं मिल रहा है, और इसी बात को लेकर मैं यहाँ मेयर मैम से मिलने आई हूँ, तो मुझे यहाँ आके ये पता चलता है कि मेयर मैम आउट ऑफ स्टेशन है। तो आपको क्या ये लगता नहीं है कि ऐसे सिचुएशन में उन्हें शहर में रहना चाहिए? हम किसे आंसर दें? लोग हमसे आंसर मांग रहे हैं। जब मेयर मैम ही हमारे को यहाँ नहीं मिल रहे हैं तो हम क्या आंसर दें जनता को? तो मैं बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ मेयर से। मैडम को मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अगर आपसे ये सीट नहीं संभाली जाती तो आप कृपया करके इस्तीफा दे दें। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।